आज हम लोगों को जो है जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी फाइव आई, इसका इसमें लगभग 3 प्रॉब्लम्स और बचे हैं आपके। प्रॉब्लम नंबर 25, 26 एंड 27। इन तीनों प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं अब करने वाला हूँ, करने जा रहा हूँ अभी। साथ ही साथ आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका है नेक्स्ट एक्सरसाइज, फलनों के सापेक्ष फलनों का अवकलन, उसको हम लोग करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे भविष्य में इसकी आपको बहुत आवश्यकता भी पड़ने वाली है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, लास्ट तक देखिएगा। फाइव जी एक्सरसाइज जो है आपकी वो मिसलिनियस एक्सरसाइज है, ये आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप लास्ट तक उसको करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, 5i के जो बचे हुए सवाल हैं उनको करना। e टू दी पावर वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, कह रहा है सिद्ध करिए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर है। काम करते हैं, e टू द पावर y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस, ठीक है ना। थोड़ा और इसे सॉल्व करते हैं, टेकिंग लॉ log e to the power y is equal to log 1 upon x plus, ये हो गया y log e equal to, इसे हम log x plus 1, therefore y is equal to minus log x plus log e बेस इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएट करें, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू f dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx log x प्लस माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, वन का एक्स का वन हो जाएगा और वन का टी हो जाएगा। फाइनली आंसर हमें अभी क्या आ रहा है हमारा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर एक कर, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एफ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी ओवर डी एक्स वन प्लस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन प्लस एक्स टू दी पावर माइनस टू डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस, क्या बचा वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया जीरो प्लस वन। देयरफॉर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल। अब जो हमें प्रूफ करना है उसे करने के लिए क्या करें, इसको थोड़ा सा चेंज करें, माइनस वन अपॉन वन प्लस एफ और पूरे का होल स्क्वायर लिख दें तो कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो हमारी डी वाई ओवर डी एक्स की है और ये पार्ट हमें प्रूफ करना है। लिखेंगे बाई द इक्वेशन फर्स्ट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर,
यही हमें प्रूव करना था। पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वाई की जगह पी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एफ की जगह थीटा है। डिफरेंशिएट करते हैं इसको। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी ओवर डी थीटा पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी ओवर डी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर डी ओवर डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो टू पी डी पी ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर टू कॉस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन। तो देखिए टू दोनों जगह पर है, कॉमन कर लेंगे। टू पी डी पी ओवर डी थीटा टू कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस। इस टू से ये वाला टू कैंसिल कर दें। पी डी पी ओवर डी थीटा इक्वल टू, अब आप देखिए साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी ओवर डी थीटा पी डी पी ओवर डी थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ओवर डी थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। देखें यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट इंटू डी टू पी ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी पी ओवर डी थीटा इंटू डी पी ओवर डी थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, प्रथम गुणे द्वितीय प्लस द्वितीय गुणे प्रथम। पी डी टू पी ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी पी ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू माइनस कॉस माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस। अब यहाँ पर जो है डी पी ओवर डी थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम लोग लिखते बाय इक्वेशन फर्स्ट पी डी टू पी ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इस टर्म को भी उधर ही ले चलते हैं, तो देखते हैं जो भी होगा। डी टू पी ओवर डी थीटा स्क्वायर, तो क्या किया जाए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन पी डी टू पी ओवर डी थीटा स्क्वायर। ये टर्म देखिए दोनों जगह से कॉमन बन रहा है, b
स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन हो गया। इस पी स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं तो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं जो हमें प्रॉब्लम में मिली थी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर पूरे के अपॉन में इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर कॉस पावर फोर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन पावर फोर थीटा। तो ये मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया पूरा। अब इधर देखते हैं तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर और ये अपॉन में पी स्क्वायर स्क्वायर। देखिए कुछ हो रहा है तो ये टर्म और ये टर्म ठीक है कैंसिल हो रहा है हमारा, ये टर्म और ये टर्म ये दोनों कैंसिल हो। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस पावर फोर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन पावर फोर थीटा अपॉन पी स्क्वायर। एक बार इसका फिर से मल्टीप्लाई करा देते हैं देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस पावर फोर माइनस ए की पावर फोर कॉस पावर फोर थीटा माइनस बी की पावर फोर साइन टू की पावर फोर थीटा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन पावर फोर अपॉन पी स्क्वायर। तो पी डी टू पी ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कॉस पावर फोर थीटा प्लस साइन पावर फोर थीटा और माइनस कॉमन ए की पावर फोर कॉस पावर फोर थीटा प्लस बी की पावर फोर साइन पावर। अब एक की पॉइंट इसके साथ में यूज करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस पावर फोर थीटा प्लस साइन पावर फोर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर इसमें जोड़ दिए इधर इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया ए की पावर फोर कॉस पावर फोर थीटा प्लस बी की पावर फोर साइन फोर पावर फोर थीटा प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर और इस पूरे के अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे अगर ध्यान से देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं इसे वन अपॉन पी स्क्वायर।
ऐसे किनारे लेके जाता माइनस, और इसे हम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसे देख के देखो कुछ याद आ रहा है, यही तो लेके चले थे ना पी स्क्वायर के बराबर, तो वन अपॉन पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो हो गया वन, और इसकी जगह पर हो गया पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर बराबर था आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर। पी डी टू पी ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस पी की पावर फोर। इस पी को उठाएं और यहां पर रख दें, डी टू पी ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू माइनस पी की पावर फोर अपॉन PQ। क्या बचा, डी टू पी ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू माइनस पी, इसे इधर ले आ दो और ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। डी टू पी ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल सेवन वाई इक्वल टू ए टू की पावर एम एक्स प्लस बी टू की पावर एम एक्स। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, इसको इक्वेशन नंबर एक डाल देते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू योर डी वाई ओवर डी एक्स ए डी ओवर डी एक्स एम एक्स बी डी ओवर डी एक्स। एम ई टू की पावर एम एक्स, कल पिछले टर्न में मैंने बताया इसको करना, आपको समझ भी आ गया होगा। यहां पर भी एम ई टू की पावर ये वैल्यू हो गई हमारी हो। इसे इक्वेशन नंबर टू डाल देते हैं। एक काम करें, इक्वेशन वन में एन से मल्टीप्लाई करें और इसे सब्ट्रैक्ट करा, क्या करें, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन इंटू एन। क्यों किया ऐसा, हम इस टर्म को गायब करना चाहते हैं। देखिए बहुत लॉजिकल है मेथड, ये इस मेथड को सीख लेंगे तो आगे जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए बहुत इजी हो जाए। क्या किया, इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, कब जब वन में एन से मल्टीप्लाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एन बाई, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा, राइट हैंड में क्या मिलेगा, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन की पावर एन एक्स माइनस ए एन ई की पावर एम एक्स और माइनस बी एन ई की पावर, ये कैंसिल हो। डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एन वाई, यहां पर देखें तो एम माइनस एन ए की पावर, इसको इक्वेशन नंबर ए। अब इसको एक बार वो डिफरेंशिएट करा देते हैं। नाउ अगेन डिफरेंशिएट
रिस्पेक्ट टू एक्स, d2y ओवर dx स्क्वायर n माइनस n dy ओवर dx m माइनस n a और m की पावर m। ठीक है, अब क्या करें, इसमें और इसमें में डिफरेंस कितना दिख रहा है, सिर्फ m का, इसमें m से मल्टीप्लाई कराएं और इसकी जगह पर वैल्यू रखते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करा दें, बात एक ही हो गई। क्वेश्चन नंबर क्या करना है, इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक करना है, इक्वेशन 3 को कब जब इसमें एम से मल्टीप्लीकेशन, तो क्या किया गया, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू ये टर्म लिख लेंगे एम माइनस एन ए एम ए की पावर एम एम, और ये वाला टर्म माइनस एम माइनस एन इंटू एम ए की पावर, ये पूरा पूरा। देखिए आंसर आपका दिखने लगा होगा, जो प्रूफ करना है हमें एम एन बाय स्टेप और लिखेंगे आपका आंसर आ जाएगा, तो डी टू बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन बाय। बहुत इजी है, स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, वैसे ही ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से आज आपका डिफरेंशिएशन लगभग समाप्त होने वाला है। देखिए ऐसा है, आज आपका ये जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा है आपका, कि किसी एक फलन के द्वारा दूसरे फलन का अवकलन करना, मतलब कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, किसी वेरिएबल के द्वारा किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करा रहे, लेकिन अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक फंक्शन के द्वारा दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। तो देखिए बहुत सीधी सी बात है कि जब किसी फंक्शन से दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट दोनों को अलग अलग कर ले, और उसके बाद में फिर उन दोनों को जिसका जिसके सापेक्ष करना होता है उसे उस प्रकार से लिख देते हैं। तो जैसा कि अभी आपने जो मेथड सीखा था जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे आपकी प्राचलिक फलन वाली, प्राचलिक फंक्शन वाली, ठीक है ना, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में जिस तरीके से एक को एक्स एक को वाई मान के किया जा रहा था लगभग वैसा ही यहाँ पर होना है, बस वहां पर क्या था एक्स और वाई लिखते थे और यहाँ पर हम उनको फंक्शन के रूप में वाई वन और y2 लिखेंगे। बहुत ही इजी है, आप लोग करेंगे बहुत आसानी से होएगा, कतई इसमें घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अगली एक्सरसाइज, जो कि आपकी बुक में मिसलिनियस एक्सरसाइज के रूप में दी गई है 5G। एक्स की पावर 5 का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात,
अब देखिए यहाँ पर आपको बस एक बात पकड़नी है। सवाल इसी तरीके से लिखा होगा, जो गलती होती है वो ये होती है कि किसको किसके अकाउंट में लिखा जाए, है ना? बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं बता रहा हूं। क्या देखेंगे कि ये सापेक्ष जिसके साथ में लिखा हो उसी को अकाउंट में रखना है, और बाकी तो दूसरा वाला ऊपर होएगा। तो कैसे करेंगे? लेट फाई वन इक्वल टू एक्स की पावर फाइव, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई वन ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर फाइव, डी वाई वन ओवर डी एक्स फाइव एक्स की पावर फोर। पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरा वाला पार्ट करते हैं, लेट बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई टू ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी बाई टू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। ठीक है ना? अब क्या करना है हमें? ये कह रहा है कि इसका इसके सापेक्ष, इसको हम कैसे लिखेंगे? नाउ डी वाई वन ओवर डी वाई टू, ठीक है? ऐसे डी वाई वन ओवर डी एक्स अपॉन डी वाई टू ओवर डी एक्स, चेक कैंसिल कर दें, वही चीज लिखी हुई है। और बस क्या करना है आपको? वैल्यू रखनी है फाइव एक्स की पावर फोर टू एक्स, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, फाइव अपॉन टू एक्स क्यूब इज द फाइनल आंसर। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर टू, एक्स टू द पावर सेवन का एक्स की पावर सेवन के सापेक्ष अवकलन करो। तो देखिए बहुत इजी है। क्या करना है? पहले वाले को बाई वन, लेट बाई वन इज इक्वल टू एक्स पावर सेवन, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बाई टू एक्स, डी बाई वन ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए डी ओवर डी एक्स की पावर सेवन, सेवन ए एक्स टू दी पावर सिक्स। ये आपका आ गया डी वाई वन ओवर डी एक्स। दूसरा पार्ट पकड़ लेते हैं, लेट बाई टू इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर सेवन, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई टू ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर सेवन, सेवन एक्स टू दी पावर सिक्स। क्या करना है? नाउ डी वाई वन ओवर डी वाई टू इसके सापेक्ष करना है, इसको बाई टू। कैसे लिखा? डी वाई वन ओवर डी एक्स अपॉन डी वाई टू ओवर डी एक्स, वैल्यू रख दो, सेवन ए एक्स पावर सिक्स, सेवन एक्स टू पावर सिक्स, फाइनल आंसर। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? हम डायरेक्ट कर रहे हैं, लेट वाई वन इज इक्वल टू दी पावर एक्स, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई वन ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पावर एक्स। दूसरा क्या है? लेट वाई टू इज इक्वल टू, वाई टू क्या दिया? रूट। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई टू ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी वाई टू ओवर डी एक्स और इसका वन अपॉन टू रूट एक्स। पीछे बहुत बार किया है इसको, समझ गए होंगे क्या करना है। तो
dy1 ओवर dy2, dy1 ओवर df, dy2 ओवर df, वैल्यू उठाइए e टू द पावर f अपॉन 1 अपॉन 2 रूट f की वैल्यू ऊपर चली गई 2 रूट f की पावर f. तो देखा आप लोगों ने, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हैं ये, बहुत इजीली लगते हैं जैसा आपने अभी पीछे चैप्टर में देखा था, जो कि आपका पैरामेट्रिक फंक्शंस थे. ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सलूशन हो रहा है. मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखलाई हैं. जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स बची हुई एक्सरसाइज है, इसको मैं अगले टर्न पर, जो भी हमारा अगला वीडियो ब्लॉक होगा, उसमें आपको मिलेगा और इसको हम लोग सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. थैंक यू.